इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस वन ओवर थ्री को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये आपका आ गया 2/3 और 1/3। इसका एलसीएम बेटा लें 3, 2+1 आपका ये 3/3 आ गया, कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1, 3 -5x बाय 4। एब्सोल्यूट वैल्यू साइन खत्म किया तो इधर आ गया +-1। एक दफा इसको 1 लिख लें, एक दफा इसको -1 लिख दें, 4 -5x और ये 4 और -3, इधर आके -5x इज इक्वल टू 1। मैं -1 से बेटा मल्टीप्लाई करता हूँ हमेशा, अच्छा लगता है मुझे। -1 से ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई किया तो साइन दोनों के चेंज हो गए और एक्स इज इक्वल टू -1/5 आ गया। एक तो ये आ गया, दूसरा वाला क्या हो गया, 3 -5x इज इक्वल टू -4। -5x इज इक्वल टू -4 -3, -5x इज इक्वल टू -7। इसमें माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू 7/5। लेकिन ये उस वक्त तक हम इन दोनों को एक्स के आंसर्स को सॉल्यूशन सेट नहीं कहेंगे जब तक ये चेक नहीं हो जाता। तो चेक के लिए इसमें 3 5x बाय 4 -1/3 इक्वल 2/3। आपके सामने पहले एक्स का जो क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू -1/5 यहाँ पे पुट करते हैं जी। 3 5 -1/5 ये ऊपर आ गया, ये डिवाइडेड बाय 4 लिख दिया, -1/3 आ गया और ये 2/3 आ गया। यहाँ के अगर 5 5 से कैंसिल हो जाए, ये जो कि कैंसिल हो गया और आपका एब्सोल्यूट वैल्यू में आ गया 3 -1 डिवाइडेड बाय 4 -1/3 2/3, ये आपका 3+1 बेटा 4 आ गया। 4/4 1 नहीं होता है, तो 1 -1/3 इज इक्वल टू 2/3। आप इसके नीचे 1 लिख के तो एलसीएम लें इसका, 3 हो गया ऊपर, 3 -1 इधर 2/3, 2/3 इज इक्वल टू 2/3, ये तो कन्फर्म आ गया जी, ये हो गया जी। आवाज आ रही है मेरी आपको? ठीक जी सर। हो गया। ये अब वैल्यू 7/5 पुट करने लगे हम, 3 -5 और अंदर वैल्यू 7/5 डिवाइडेड बाय 4 1/3 2/3। 5 5 से कैंसिल, 3 -7 कितना होता है? 3 4 4 -4, ये 3 था ना, ये आगे -7 है, तो ये इस आंसर हो के आल, तो ये आंसर -1 एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर तो आ गया। लेकिन मैंने आपको यही बताया था कि ये प्लस में चेंज हो जाता है, ये 1 -1/3 2/3 और 1 -1/3 भी
टू बाई थ्री आ जाता है, दूसरी तरफ भी टू बाई थ्री आ गया, लिहाजा सॉल्यूशन सेट जो है वो कन्फर्म हो गया एक माइनस वन बाई फाइव और एक सेवन बाई फाइव, ये आ गया जी सॉल्यूशन सेट।